इस प्रतियोगिता में सहयोग दिए हैं। तो इसके बाद जो कि धनवासी और भैंसवाही के मध्य मुकाबला होना है, उसके बाद एक जो कि होगा झुलुर झुलुर धान के नवैया, उसमें आएंगे मेरे नन्नी परी, भूमि पाटले और शिखा श्याम। और अगला जो गाना होगा कर्मा के होगे जाबो मादर के कालमा, उसमें आएंगे हमारे नन्नी परी रूत सयाम, गणेशिया कुशराम, माही सयाम, हरिता कुशराम, भानु सयाम और सृष्टि सयाम। इसके बाद जो मुकाबला होना है धनवासी और बैसवाही के मध्य, इसके बाद यह प्रोग्राम रखा जाएगा। और जैसे कि यह मुकाबला चल रहा है मतलब डीपी कलर से उदरी, अब जो कि उदरी के इस क्षेत्र के कहूंगा शानदार रेडर रेडिंग करने के लिए जाते हुए बबलू पुशाम, तो तालियां तो जरूर बजाइए। आप लोग तालियां बजाने में कंजूसी करते हैं, जबकि हमारे गांव का नाम रोशन इतना किया है, जिला अनूपपुर में भी इन्होंने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। तो बबलू पुशाम रेडिंग करते हुए और शानदार बबलू पुशाम टैकल किया है, तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिए बबलू पुशाम का। और निश्चित तौर पर कहूंगा बबलू भूषाम, चंद्र प्रकाश सयाम, कमलेश सयाम, अगर ये तीनों कोर्ट में मौजूद हैं तो इनको हराना मुमकिन ही नामुमकिन है। और अब जाते हुए जबकि इमलाई जो कि पश्चिमी कोर्ट में मौजूद है और हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो कि 700 रुपए की राशि है, चंद्र प्रकाश सयाम जो कि राइट मध्य कॉर्नर से आते हैं, उनका फिर से एक बार टेकल जरूर था, क्या हो सकता है देखना होगा, वो तो निर्णय की सराहता हुआ क्या होगा, तो सुपर रेट का इशारा आता हुआ निर्णय के द्वारा तीन डिफेंडर बाहर जाते हुए और तीनों डिफेंडर बाहर जाते हुए, तो निश्चित तौर पे कहूंगा एडवांस टेकल और बबलू पुशाम अभी भी बचे हुए हैं। तो 6-12 का यह मुकाबला चलता हुआ, और जैसे हमारे बीच हमारे ग्राम पंचायत उदरी माल के पंचगढ़ सरपंच महोदय, उप सरपंच महोदय, सचिव, रोजगार सहायक, मैं सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने पंच महोदय और सरपंच महोदय के द्वारा हमारे इस ग्राम को, इस प्रतियोगिता को 20,000 रुपए की राशि जो कि हमको देने का वादा किए हैं वो अभी आने वाले हैं। तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हमारे पंच महोदय और सरपंच महोदय का जो कि 20,000 की राशि हमारे इस प्रतियोगिता को देंगे। तो जबकि थोड़ी देर बाद ही हमारी सरपंच महोदय सम्मान्य श्रीमती बनवासी जी या उनके पति सम्मान्य श्री सरपंच पति छगन बनवासी जी, उप सरपंच मेरे पिता तुल्य, मेरे बड़े भैया सम्मान्य श्री राम सिंह पवार जी और सभी पंचगण जो कि अभी धीरे धीरे उपस्थित होने वाले हैं, जो कि अंतिम यह मुकाबला जो कि खेला जाना है, आज अंतिम फाइनल मुकाबला खेलना जाना है, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा है उनके, तो अगर देखा जाए तो बबलू के द्वारा फिर से एक बार शानदार तरीके से जो रेटिंग किया गया था, तो बबलू अभी भी कोर्ट में पड़े हुए हैं, बबलू को निकाला मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है, टेस्ट किया गया है, रेडर आपका इशारा था निर्णय के द्वारा। तो 7-15 से मुकाबला चलता हुआ कमलेश और बबलू जब तक कोर्ट में बने हुए हैं, भले चंद्र प्रकाश सयाम को अगर देखा जाए तो वो कोर्ट से बाहर थे और वो इन होते हुए, तो कमलेश बबलू और चंद्र प्रकाश सामने अगर कोर्ट में है तो इनको हराना मुमकिन ही नामुमकिन है। अगर 2000 जो तेज का मुकाबला देखा गया था उसमें ओमकार प्रकाश जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, तो जिन्होंने जिस तरह से बबलू कमलेश और चंद्र प्रकाश को एक शानदार इनाम दिए थे, और शायद मैं गया था तो मुझे भी वो अवगत कराए थे कि आपके ग्राम के ये खिलाड़ी इतने अच्छे खेलते हैं करके, तो मुझे एक सम्मान जिस तरह से दिए थे, तो शानदार तरीके से जिस तरह से हमारे बच्चों ने इस खेल को और हमें जिस तरह से सम्मानित किया गया है, तो तहे दिल से अभिनंदन है। और फिर से एक बार टेकल कमलेश का शानदार तरीके से डैश किया है, और शायद जो कि मेरे साथी वक्ता संतोष मार्को जी शायद पहुंच चुके हैं, तो मार्को जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन करें, संतोष मार्को जी मेरे बड़े भाई। तो जैसा कि अब हमारे बीच मेरे बड़े भाई जिनको देख के शायद मैंने इस भक्त को संभाला था, तो मेरे बीच उपस्थित मेरे बड़े भैया संतोष मार्को जी पहुंच चुके हैं और धनराज पुशाम जी भी हैं। तो मैं कहूंगा कि अगला का जो आंखों देखा है मेरे बड़े भैया संतोष मार्को जी आपको अगले के आंखों देखा सुना दे, तो एक बार तालियों से जरूर स्वागत कीजिए मेरे बड़े भाई संतोष मार्को जी का जो कि हर्रा से पहुंचे हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बड़े भैया संतोष मार्को जी।
आप सभी को नमस्कार। प्रो कबड्डी प्रतियोगिता 2024 से इस ग्राम के समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए और इस खेल कमेटी को मैं सच सच दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि ठीक है, एक भाग और किस्मत के साथ हमें 2024 में आगमन मिला और रेड गाड़ी का हरा रह चुका, दो आधाई डेट का इशारा चुका है अंपायर का है और बबलू रेड के लिए जा रहे हैं। दूसरा सेट का मुकाबला देख रहे हैं हम इब्राहिम वानाब उधरी और लंबे कद के रेडर है बबलू, काफी उनका ऊंचाई लंबे और काफी काम का नाम कमाया है उस उधरी ग्राम के लिए देखा जाए। बबलू डुडाई रेड का इशारा आ चुका है अंपायर का, जोखिम लेना पड़ेगा बबलू को, नीचे थी अंपायर का इशारा आ चुका है। फिलहाल लेफ्ट कार्नर पर बोनस के साथ और रेडर आउट इशारा आ चुका है अंपायर, पॉइंट कमाना पड़ा यहाँ पर बबलू, सब जा रहे हैं कोर्ट से बाहर और प्रो कबड्डी नियम के अनुसार से एक बेहतरीन निर्णय देखने के लिए मिला अंपायर द्वारा कि प्रो कबड्डी जो कि आजकल आप देख रहे हैं सुपर टैकल के साथ रेड करते हुए तीन डिफेंडर कोर्ट पर देखना होगा यहाँ पर टैकल करने की कोशिश जी नहीं, अंपायर का सारा देखने होंगे कि चार आउट वन पॉइंट है सेम नहीं और एक पॉइंट के साथ स्कोर 13-17 का भाग दौड़। जूते पानी का मुकाबला आप देख रहे हैं उधरी बनाम इमलई काठी का मुकाबला आठ टैकल करने की कोशिश आठ काना पर सात डिफेंडर कोर्ट पर बोनो शॉट के साथ रेड करते हुए बेहतरीन मुकाबला और एक मेजबान की भूमिका अदा करते हुए यहाँ खिलाड़ी उधरी टीम को बोनस बोनस के साथ एक पॉइंट का इजाफा उधरी स्कोर बोर्ड पर इजाफा स्कोर के साथ 18 और सुपर टैकल के साथ यहाँ टैकल कर लिए गए टैकल पॉइंट यहाँ उधरी को मिलेंगे दो पॉइंट का इजाफा मैदान के करीब पहुंच जाए क्योंकि आज फाइनल का मुकाबला अंतिम दिन का मुकाबला और खेल अगर कहा जाए तो आसमान में और इसी के साथ लंबा विशेष का इशारा समय समय पर खेल समाप्त पर आइए धनबाद जी बड़ा भैंस और आगे की भिड़न के लिए आइए।